जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे बोर्ड एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन। तो चैप्टर वन की हम बात करते हैं। तो चैप्टर वन में हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं कि √5 - 3 - √2 ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, इक्वल टू जीरो है, नेचुरल नंबर है या इरेशनल नंबर? नेचुरल नंबर हम सबको पता है, तो पहले बात करते हैं हम रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं हमारे जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसमें जो डिनोमिनेटर q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड p और q जो हमारे होंगे ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके बीच में वन ही कॉमन फैक्टर हो, देर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज वन। तो रैशनल नंबर के बारे में हमने जाना। अब हम रैशनल नंबर का सम देखते हैं, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। अगर हम किसी भी दो नंबर, दो रैशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, डिवीजन के लिए कंडीशन याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं लेना है, तो ये हमेशा ऑलवेज रैशनल नंबर ही होंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो आर ऑलवेज रैशनल नंबर। तो किसी भी दो रैशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। और अगर हम सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये चारों चीजें परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें याद रखना है डिवीजन में, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, डिवीजन में जो हमारा डिनोमिनेटर होगा कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये चारों चीजें रैशनल और इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो ये भी हमारा ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। तो हमेशा इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा अगर हम कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर अब होता क्या है? तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं है। हम रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर हमने जाना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये इंटीजर, ये सभी रैशनल नंबर होते हैं और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी करते हैं। इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं। तो जैसे एग्जांपल 2, √2, √3, √5, क्यूब रूट में भी हम लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर वो नंबर भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हमने पढ़ा रैशनल नंबर का सम, इरेशनल और रैशनल नंबर का सम। अब हम जानेंगे कि अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। डिवाइड की फिर वही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर दो इरेशनल नंबर का हम सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं तो वो इस कंडीशन में याद रखिएगा, ये मे और मे नॉट भी इरेशनल हो सकता है। मतलब इनका सॉल्यूशन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, इट मे और मे नॉट बी इरेशनल। मतलब इसका सॉल्यूशन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं, एक रूट टू लिया हमने और एक रूट थ्री लिया। तो ये दोनों हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, रूट टू और रूट थ्री, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो इनका सम हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं, एग्जांपल 2 + √2 और 2 - √2, दीज आर टू इरेशनल नंबर, और इनको अगर हम अब ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास रूट टू अपोजिट साइन वाले हैं, √2 और -√2, तो ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा 4 मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम दो रैशनल इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अब रूट फाइव क्वेश्चन में हमारा इरेशनल है, 3 रैशनल है और √3, √2 हमारा इरेशनल। तो इनका अगर हम सम और डिफरेंस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सेम टाइप का ही है, जिसमें हमें 2 + √3 + √5 बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है। ये हमने सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है जिससे आपका ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो रैशनल नंबर है हमारा 2, √3 और √5 है फिर रैशनल नंबर, और ये प्रॉपर्टी हमने सेकंड पॉइंट कि रैशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा बहुत सिंपल है, अगर आपको एससीएफ का बेसिक कंसेप्ट मालूम है।
तो ये हमें तीन नंबर्स गिवन है जो हमें गिवन है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स हमें गिवन है इन एक्सपोनेंट फॉर्म, तो इन तीनों नंबर्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या इनके पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है हमारा अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो सभी की जो लीस्ट पावर वाले प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, हमें एचसीएफ मिल जाएगा। और एलसीएफ के केस में हमें हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। और आसान तरीका बताता हूं कि सबको हम प्राइम फैक्टर्स को ब्रेक कर देते हैं, एक्सपोनेंट्स को हम सिंपली पावर ऑफ वन में लिख लेते हैं। तीनों को हम सिमिलरली लिख सकते हैं, जो भी हमें कंडीशंस गिवन है एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में इसको हम विदाउट एक्सपोनेंट की फॉर्म में कर देते हैं। और देखेंगे हम इनके बीच में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर आपको थोड़े भी डाउट है तो आपको जरूर इसी तरीके से करना चाहिए। तो ये हमने निकाल लिए कुछ कॉमन, जो कॉमन तीनों में कॉमन होंगे, तो ये हमने कॉमन निकाला। तो अब हमारा जो एचसीएफ होगा इन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 3, 1 × 5 एंड 1 × 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा 90। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट 90, तो यही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250। प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे ही हम प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज में आते हैं हम तभी फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लेते हैं। तो 1250 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो उन्हीं नंबर्स को लेना है जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक वन और एक नंबर इटसेल्फ। तो 2 से करते हैं हम पहले, क्योंकि हमारा लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। 625 हमें पता है 25 का स्क्वायर है, लेकिन हम इसे सिंपली डिवाइड कर देते हैं यूजिंग प्राइम नंबर्स। तो 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो ये हमारा सिंपली डिवाइड हो जाएगा और हमें लास्ट में 1 मिल जाएगा। जब तक 1 नहीं आए हमें उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही रहना है। अब हमारे पास 1 2 है और 4 टाइम्स 5 है, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 1250 का। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ गिवन है 45 एंड 55 का, दैट इज 5। एलसीएम गिवन है 45 और 55 का, दैट इज 99 × a। तो ये हमें एक वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है और हमें कहा गया है इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कंडीशन को याद रखिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा। तो जो हमें दो नंबर गिवन है 45 एंड 55, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब कंडीशंस जो हमें गिवन है उसे लिखते हैं, एचसीएफ इज 5, एलसीएम इज 99 × a एंड टू नंबर्स आर 45 एंड 55। तो इसको हम सिंपली अब यूज करेंगे नॉर्मल जो हमारा बेसिक तरीका होता है, एक ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। 45 × 55, 5 × 99 जो हमारा मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के अपोजिट तरफ जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। और इसको हम अगर सिंपल अपने नॉर्मल तरीके से ब्रेक करते हैं तो हमें जो एक ही वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5। तो जो ए की वैल्यू, जो वेरिएबल ए था हमारा, वो हो गया 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो जो हमारी ए की वैल्यू है 5 है जो हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 फिर हमारा ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, 7 + 5√8। लेकिन अभी हमें समझना है रूट 8 क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और तो बिल्कुल रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। लेकिन रूट 2 आ गया तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। तो अब हमें फिर वही चीज याद रखनी है कि सम और प्रोडक्ट, ये दो चीजें, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल और इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये कंडीशन हम पहले भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में भी यूज करा था, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन बी इरेशनल नंबर। तो 7 + 5√8 इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेवन फिर बेसिक कंसेप्ट एचसीएफ एलसीएम वाला। एचसीएफ अगर हमें दो नंबर का गिवन है 116 और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम हमें गिवन है 1740, देन वॉट इज द सेकेंड नंबर इफ वन नंबर इज 580। फिर वो वाली कंडीशन हम जो यूज करेंगे वो क्या है,
HCF और LCM का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है HCF और LCM कंडीशन में, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड या प्री बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। तो HCF 116 है और LCM हमारा है 1740, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जिसमें से हमें एक नंबर 580 गिवन है, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपली हमें x को अकेले रखना है और सभी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर देते हैं, और सिंपल एक कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें x की वैल्यू मिलेगी, जीरो से हम जीरो काट सकते हैं, 58 3 जा 174 होता है, इसको अगर हम सिंपली ब्रेक करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो होगी 348। तो इसको हमें काटने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो सिंपल वैल्यू आई है वो हमारी आई है 116 × 3, दैट इज 348, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसका ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्राइम फैक्टर ऑफ 1584 रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अभी हम पीछे भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन था। सिमिलरली उसी तरीके से पहले हमें 1584 को फैक्टराइज करना होगा। तो 1584 को हम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या डाउट है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1584 का। सिंपली तब तक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जब तक हमें लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट में 11 प्राइम नंबर है तो ये सिंपली हमें 1 मिल गया है। अब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। तो 2 हमारे 4 टाइम्स है, देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power 4, 3 to the power 2 एंड 11। अब चेक करेंगे कि ये ऑप्शन हमारा किस नंबर पे है। तो ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2 to the power 4 × 3 to the power 2 × 11। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 1584 हमें मिल गया ऑप्शन डी। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें HCF फाइंड करना है 85 एंड 152 का। अब इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा कि HCF हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहला तो प्राइम फैक्टराइजेशन आसान तरीका जो हम यूज करते हुए आए हैं, 5 से हम काटेंगे 17 से तो ये हमें 85 के फैक्टर्स मिल गए, 5 × 17, दैट इज प्राइम फैक्टर्स। एंड सिमिलरली हम 152 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 152 को हम 2 से रिमूव करेंगे, 76, देन 2 से तो ये आ गया हमारा 38, देन 2 से 19, एंड 19 इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 152 इज 2 × 2 × 2 × 19। अब HCF होता है हमारा कॉमन वैल्यू, तो इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 1। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इन केस ऑफ 85 एंड 152 का HCF। अब बेसिक, ये तो बेसिक तरीका हो गया, अब हम इसे कर सकते हैं डिवीजन मेथड से भी। तो डिवीजन मेथड हमारा कहता है कि अगर हम ब्रैकेट में या डिविडेंड को रखते हैं ग्रेटर वैल्यू और डिवाइजर को रखते हैं स्मॉलर वैल्यू, तो 152 इज आवर ग्रेटर वैल्यू एंड 85 इज स्मॉलर। अब सिंपल जो हम नॉर्मल बेसिक तरीका करते थे 85 से, तो 85 से हमें इसे डिवाइड करना है, और ये 67 गलती से क्या है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 85 से, 85 बन जाए 85, रिमाइंडर हमारा आया 67, रिमाइंडर फिर जो हमारा पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम सेम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा जो डिवाइजर है वो कट ना जाए। तो अभी हमें ये काटना है तब तक जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आ जाए। तो ये हम रिमूव करते जा रहे हैं, 11 आएगा रिमाइंडर, फिर 18 हमारा डिविडेंड बन जाएगा, 11 से इसे डिवाइड करेंगे 7, देन 11 इज डिविडेंड, देन 7 × 7, फिर सबट्रैक्ट करेंगे 4, फिर 7 को डिविडेंड रखेंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा अंटिल एंड अनलेस वी रीच टू द रिमाइंडर जीरो। अब ये 3 हमारा रिमाइंडर आया जिसे हम डिवाइजर लेंगे, 4 को डिविडेंड, लास्ट में हमें मिल गया 1, और हमें पता है 1 इज 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, तो हमारा 1 ही HCF होगा जो हम पहले बेसिक तरीके से भी कर चुके थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। LCM एंड HCF ऑफ 2 नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी, तो वो नंबर कैसा होगा, प्राइम होगा, को प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, इक्वल होगा। इसे हम हार्ड तरीके से भी करेंगे, नॉर्मल तरीके से भी। LCM एंड HCF अगर किसी भी दो नॉन जीरो का इक्वल है तो वो दोनों नंबर भी हमेशा इक्वल होंगे। तो एक आंसर हमें पता चल गया, आंसर है डी, लेकिन अब इसे हम समझते हैं
हम दो नंबर को एज्यूम करते हैं पी एंड क्यू। अगर हमारे दो नंबर जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है वो पी क्यू है, तो एचसीएफ एंड एलसीएम पी और क्यू का हमने मान लिया ए। तो एचसीएफ पी क्यू का क्या है, ए। सेम ये एलसीएम भी होगा हमारा। तो अगर कोई भी नंबर का एचसीएफ हमें गिवन है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबर्स को। तो पी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटू एनी नेचुरल नंबर। तो पी को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, वेयर बी इज एनी नेचुरल नंबर। सिमिलरली क्यू को भी हम लिख सकते हैं ए इंटू सी, वेयर सी इज अनदर नेचुरल नंबर। तो पी इज इक्वल टू ए बी एंड क्यू इज इक्वल टू ए सी। और अब हम निकालते हैं हमारा जो बेसिक तरीका, एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे दो नंबर हैं पी एंड क्यू, एस सी एफ हमें गिवन है ए, एल सी एम भी हमें गिवन है ए। तो एस सी एफ ऑफ पी क्यू इज ए एंड एल सी एम ऑफ पी क्यू इज ऑल्सो ए। तो ये हमें दोनों वैल्यूज गिवन है दैट एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल। तो एस सी एफ एंड एल सी एम दोनों ए, पी की वैल्यू हमें गिवन है ए बी एंड क्यू की वैल्यू हमें गिवन है ए सी। तो हमारे ए ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा बी और सी, कि जो दो नेचुरल नंबर थे उनका प्रोडक्ट वन आ गया। तो दो नंबर, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट अगर वन आता है, इसका मतलब बी एंड सी इज आर वन। तो बी और अगर सी हमारे वन होंगे, इसका मतलब पी और क्यू हमारे इक्वल होंगे एंड इक्वल टू ए। तो पी एंड क्यू आर इक्वल, इसका मतलब जो दो नंबर हमारे थे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसा हमने पहले ही बताया था, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देखते ही यूज करेंगे कि एस सी एफ और एल सी एम अगर सेम है तो वो दोनों नंबर भी हमारे सेम होंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो प्राइम फैक्टर हों, कंपोजिट जिसके दो से ज्यादा। को प्राइम हमने पहले ही बताया था, जिसमें सिंपली एक कॉमन फैक्टर हो, दैट इज वन। तो इसका आंसर आ गया हमारा डी, दैट इज इक्वल। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ हमने सीखा था, अब एलसीएम हम सीखेंगे कि अगर हमारे दो नंबर जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर एक्सपोनेंट्स में गिवन है तो हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होगी या ग्रेटेस्ट पावर जो होगी हमारे प्राइम फैक्टर्स की, उसे हम कहते हैं एलसीएम। तो ये याद रखिएगा, ये की पॉइंट है। तो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो भी प्राइम फैक्टर किया गया है नंबर्स का, उसका जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर का, वही हमारा एलसीएम होगा। तो हमें जो गिवन है हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 2, दोनों में जो हाईएस्ट 2 की पावर है वो है 2, 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 टू द पावर 2, एंड 5 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 5 टू द पावर 3। तो ये हमारा, इनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें आंसर मिलेगा 4500, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको एचसीएफ और एलसीएम ऐसे क्वेश्चंस का समझ आया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब ये हमें फोर ऑप्शंस गिवन है, इसमें पूछा गया है इरेशनल नंबर कौन है। तो पहला 5√4, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 4 में से हमें 2 बाहर मिल जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। ऑप्शन ए गलत। रूट 2 और रूट 8 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/2, क्योंकि रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो हमें सॉल्यूशन मिला 1/2, विच इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा है 6+√5। रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है, 6 रैशनल है, तो सम और रैशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल होता है। 64-√4, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 जो कि रैशनल नंबर है। तो हमें ऑप्शन मिला 6+√5 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द फैक्टर ऑफ 12 टू द पावर एन। तो सबसे पहला काम है 12 के फैक्टर्स करना। तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2, 3 एंड 4 और 6। तो हम देखेंगे इन फैक्टर्स के अलावा कौन सी वैल्यू, कौन सा नंबर जो गिवन है हमें वो प्राइम फैक्टर जो फैक्टर नहीं है। तो 5 हमें दिख रहा है जो फैक्टर नहीं है, तो 5 ही हमारा सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन ए। 14 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर ए एंड बी गिवन है। प्राइम नंबर की कंडीशंस आप याद रखिएगा, कभी भी दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ और एलसीएम होगा,
प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एलसीएम दो प्राइम नंबर का हमेशा सेम ही होगा, वो होगा हमारा जो दो नंबर है जो प्राइम नंबर्स है उन्हीं का प्रोडक्ट। बेसिक तरीके से एचसीएफ अगर हमें वन गिवन है, एलसीएम एचसीएफ हमारा प्राइम नंबर का हमेशा वन होगा और एलसीएम प्राइम नंबर का उनका प्रोडक्ट होगा। और इसे हम अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है उससे यूज करेंगे तो भी हमें एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ही मिलेगा। 15 क्वेश्चन भी सेम, जिसमें हमें एक कंडीशन गिवन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा गया है कि अगर एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। अब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4 इज 2, बिकॉज 2 और 4 हमारे क्या है मल्टीपल्स हैं 2 के और हमें देखना होता है लीस्ट पावर, और एलसीएम में देखना होता है ग्रेटेस्ट पावर दैट इज 4। अब इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 2 क्रॉस 4 तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज 8। तो एचसीएफ और एलसीएम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का होगा 8। क्वेश्चन नंबर 16 है हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला काम है 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना ओनली विथ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमें नंबर मिले हैं उनकी पावर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 196 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 7 to the power 2। अब दोनों की जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम निकालना है हमें। तो दोनों की जो बेस पावर है एक्सपोनेंट्स हैं वो है 2 plus 2, तो सम हमारा 2 plus 2 होगा। जिसको हम ऐड करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 2 plus 2 दैट इज 4। तो हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस केस में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बेसिक है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। ये देखिए डायरेक्ट कंडीशन जो हमने बताई थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि दो नंबर्स अगर इरेशनल नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट या सम या डिफरेंस, अगर हम तीनों कंडीशंस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर दैट कैन बी इरेशनल और इरेशनल। तो ये हम डायरेक्ट एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर रूट 3 और रूट 5 दो इरेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट रूट 5 जो इरेशनल आएगा। सिमिलरली अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं रूट 3 और 2√3, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 6 जो एक रेशनल नंबर है। तो इस एग्जांपल से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी